तो आज हम सीखने वाले हैं एडोब फोटोशॉप के अंदर एनिमेशन क्रिएट करना। लेकिन यह एडोब फोटोशॉप सॉफ्टवेयर से ही नहीं, यह एडोब फोटोशॉप के साथ एडोब इमेज रेडी सॉफ्टवेयर से भी मिलकर बनेगा। क्योंकि तो जो हमें एनिमेशन टैब है वह एडोब इमेज रेडी के अंदर ही मिलता है। सबसे पहले हम फोटोशॉप के अंदर एक नई फाइल यहाँ पर जनरेट करते हैं और न्यू फाइल हम यहाँ लेने वाले हैं। कस्टम साइज के अंदर आप चाहिए और इंचेस कर लीजिएगा मोड, और यहाँ पे विड्थ और हाइट दोनों ही मैंने 5 और 5 रखा हुआ है, जिससे कि दोनों तरफ से हमें जगह बराबर प्राप्त हो। और यहाँ पे हमें रूलर बार भी मिलना चाहिए, कंट्रोल आर बटन से यह शो एंड हाइड हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि रूलर वाले ऑप्शन से हम गाइडलाइन लेकर आ जाते हैं, और यह गाइडलाइन हमें बीचों बीच में रखनी होती है, और ऐसे बीचों बीच में गाइडलाइन रख लेने के बाद आपको और भी गाइडलाइन यहाँ पर लेके आनी होगी। ये गाइडलाइन हम लेकर आ गए हैं, एक और लाइन हमें यहाँ पर रखनी होगी। अब इसके बाद हम यहाँ पर ऊपर से भी एक गाइडलाइन लेकर आते हैं, फिर से एक और गाइडलाइन हमें लेकर आना है। अब हम यहाँ पर कंट्रोल प्लस करके जूम कर लेते हैं। पेन टूल की सहायता से हमें एक डिजाइन को ड्रॉ करना होगा, और पेन टूल हम यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं। पेन टूल की एक कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, जो कि यहाँ से हमें ऑप्शन बार में यह शेप लेयर और पाथ लेयर मिलता है। शेप लेयर हमें यहाँ पे रखना होगा। शेप लेयर रखने पर हमें कलर फिलअप देखने को मिल जाता है, और यहाँ इस एरो बटन पर आपको करना है क्लिक, और यहाँ इस पॉइंट पर क्लिक कीजिए, फिर इस पॉइंट पर क्लिक कीजिए, फिर इस पॉइंट पर क्लिक कीजिए, और लास्ट में आप जहाँ से शुरुआत किए थे उस पॉइंट पर जाके क्लिक करना है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि चारों पॉइंट को हमने अच्छे से मिला दिया है। फिर हम लेयर प्लेट से राइट क्लिक करते हैं, शेप लेयर की जगह हमें इसे रास्टराइज लेयर में कन्वर्ट कर देना होता है। रास्टराइज लेयर में कन्वर्ट होने के बाद इसे हम मैजिक टूल से सिलेक्शन में लेते हैं। टॉलरेंस आप बढ़ा के रखिएगा, जिससे कि यह सिलेक्शन जल्दी हो जाए। फिर हमें यहाँ पर इसे अगर कलर करना है तो हम कलर फिलअप देने के लिए हमने ये सिलेक्शन लिया है, और ग्रेडियंट टूल की सहायता से हम यहाँ पर ग्रेडियंट कलर इसके अंदर फिल करने वाले हैं। और रिडायल, हमने स्टाइल को यहाँ पर सिलेक्शन में लिया है, ओपेसिटी 100% यहाँ पे दी गई है, और यहाँ माउस को ड्रैग करके हम छोड़ेंगे तो हम देख सकते हैं यह कलर फिलअप हो गया है। डी सिलेक्ट टूल सिलेक्ट मेन्यू के अंदर आपको देखने को मिलेगा, और इस ऑप्शन से डी सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप मूव टूल को सिलेक्ट करें। फिर हम देखते हैं कि शेप जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ये जो लेयर है इसे आप डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल जे बटन को हम यहाँ पर प्रेस करते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट, और इससे डुप्लीकेट लेयर हमारे पास बन चुका है। एडिट मेन्यू में जाना है इसके बाद, और फ्री ट्रांसफॉर्म कंट्रोल टी यहाँ पर होता है, इसे फ्री ट्रांसफॉर्म हमें कर लेना है। और जो हमें ऑप्शन बार पर यहाँ पर ऑप्शन प्राप्त होते हैं, इनमें हम देख सकते हैं सेट रोटेशन हमें देखने को मिलता है। इससे पहले आप इसके एंकर पॉइंट को यहाँ से पकड़कर आप नीचे कॉर्नर पर लेके जाए, जहाँ से आप इसे घुमाना चाहते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ से रोटेशन को सेट कर सकते हैं। आपके आवश्यकता अनुसार इस रोटेशन को आप सेट कर सकते हैं।
ये हमने रोटेशन को सेट कर दिया, राइट क्लिक हम करेंगे। अब इसके बाद आपको एक शॉर्टकट यहाँ पर प्रेस करना है। यह शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट अल्टर के साथ में टी बटन को दबाना होगा। कंट्रोल शिफ्ट अल्टर और टी को हम प्रेस करते हैं तो यह क्या करेगा, यह इस लेयर को डुप्लीकेट लेयर में बदलेगा और उसी फॉर्मेट में एक रोटेशन तैयार करके आपका देगा। आप बार बार इस शॉर्टकट को प्रेस करते रहिए और यहाँ पर आप देखेंगे कि यह एक डिज़ाइन इसने तैयार कर लिया है। इसके बाद हम सारी लेयर को एक करने के लिए बैकग्राउंड लेयर को हाइड करते हैं और सबसे ऊपर वाली लेयर को हमें यहाँ पर क्लिक करना है और लेयर मेन्यू में जाके मर्ज विजिबल ऑप्शन को क्लिक करना है। शिफ्ट कंट्रोल ई इसका शॉर्टकट रहेगा। क्लिक करते ही आप देखते हैं कि सारी लेयर एक हो चुकी है। फिर बैकग्राउंड लेयर को आप ओपन कर लीजिए। फिर इसके बाद आप चाहें तो व्यू के अंदर से क्लियर गाइड्स जो कि आप गाइडलाइन लेकर आए हैं इन्हें आप क्लियर कर सकते हैं। कंट्रोल जीरो बटन की सहायता से आप फिट ऑन स्क्रीन कर ले और कंट्रोल प्लस माइनस से आप कैच को बड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे अब हमें इसे बड़ा करना है। शिफ्ट अल्ट की सहायता से हम इसे बड़ा करते हैं जो कि चारों तरफ से यह बड़ा हो जाएगा। इसके बाद हम इसे एक डुप्लीकेट लेयर के रूप में चेंज करते हैं। कंट्रोल जे बटन प्रेस करके डुप्लीकेट लेयर हम बना लेते हैं और जो डुप्लीकेट लेयर हमने बनाई है उसे हम छोटा कर लेते हैं। हमने इसे छोटा कर लिया है। छोटा कर देने के बाद में आप एक डुप्लीकेट लेयर दोबारा से बनाइए और डुप्लीकेट बनाने के बाद इस डुप्लीकेट लेयर को आप थोड़ा सा बड़ा कीजिए। हल्का बड़ा कर देने के बाद उसी शॉर्टकट को आपको प्रेस करना है जिस शॉर्टकट से आपने इन लाइनों को डुप्लीकेट किया था। कंट्रोल शिफ्ट अल्टर के साथ में टी बटन को प्रेस करना है जिससे कि यह डुप्लीकेट लेयर तैयार करके देगा और प्रत्येक चरण में आगे आपको इस डिजाइन को बड़ा करके देने वाला ऑप्शन। इस तरह से हमने इसे बड़ा कर दिया। अब आपको जाना होता है एडोब इमेज रेडी पर जिसके लिए आप बैकग्राउंड लेयर को पहले क्लिक कर ले, फिर आप टूल बॉक्स वाले ऑप्शन पे आइए और सबसे नीचे आपको देखने को मिलता है जंप टू एडोब इमेज रेडी कंट्रोल शिफ्ट एम इसका शॉर्टकट है। इसे क्लिक करते ही आपके सामने एडोब इमेज रेडी ओपन हो जाएगा। एडोब इमेज रेडी के आने के बाद आप यहाँ पे अगर एनिमेशन टेप नहीं पाते हैं, अगर आपको नहीं मिलती है तो इसके लिए आपको जाना होता है विंडो और यहाँ पर एनिमेशन टेप आपको देखने को मिल जाएगी। लेयर प्लेट भी हमने यहाँ पर ओपन करके रखी हुई है। अगर आपके कंप्यूटर में नहीं हो तो आप विंडोज से लेयर प्लेट को ओपन कर सकते हैं। अब हमें एडोब इमेज रेडी ऑप्शन के अंदर यहाँ पर एनिमेशन टैब में डुप्लीकेट करंट फ्रेम करने का ऑप्शन देखने को मिलता है और इसे क्लिक करेंगे तो यह प्रत्येक फ्रेम को डुप्लीकेट लेयर में बदलेगा। अब हमें सबसे ऊपर वाली लेयर को हाइड करना है। हाइड करने के बाद फिर से आपको इस डुप्लीकेट करंट फ्रेम पर क्लिक करना है और ये चरण आपको तब तक करते रहना है जब तक आपकी सारी लेयर डुप्लीकेट ना बना दें, उनको कैप्चर ना कर लें। और हर बार हम एक लेयर बनाएंगे और एक को हाइड करेंगे।
हो जाने के बाद आप इसे प्ले कर सकते हैं। एनिमेशन टैब पर आप देख रहे हैं प्ले करने का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, जहां से आप इसे प्ले कर सकते हैं और प्ले करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका एनिमेशन किस तरह से तैयार हुआ है। इस तरह से हम इसे बना सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप इसे जेपीजी फॉर्मेट या जीप फॉर्मेट या HTML फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं तो इसके लिए आप फाइल पर जाइए। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सेव ऑप्टिमाइज अस वाला ऑप्शन, जिसे आप क्लिक करेंगे और आप इसे आप सेव कर सकते हैं जिस भी लोकेशन पर सेव करना चाहें। सेव इमेज ओनली इमेज जीप वाला ऑप्शन हम यहाँ पर देखते हैं, HTML यहाँ पर हम देखते हैं, तो हमें तीन फॉर्मेट देखने को मिल रहे हैं। आप किसी फॉर्मेट में इसे सेव कर सकते हैं। यहाँ पर हम फाइल का नेम दे सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 हमने फाइल का नेम दिया और यहाँ से हमने सेव पर क्लिक किया और यह हमें डेस्कटॉप पर मिल जाएगी। इस तरह आप भी अपने कंप्यूटर में इसे बनाकर देख सकते हैं। ये यहाँ पर हमारी फाइल आ चुकी है। आप भी अपने कंप्यूटर में बनाइए।